जयपुर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विशेष बैठक आयोजन किया गया। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सभासद भवन में शुक्रवार को विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 90 से अधिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, विकास समितियों और व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और निगम के साथ वृक्षारोपण का संकल्प लिया। पौधे लगाने वाली संस्थाओं को पर्यावरण मित्र संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। महापौर ने पौधे का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और आम का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर उन्होंने आम जन को पौधे और जूट के बैग भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि जीवन में माँ का दर्जा सर्वोपरि होता है और उनके सम्मान में पेड़ लगाकर हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। निगम के द्वारा जोन स्तर पर 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और आम जन को भी पौधा वितरण किया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस अभियान को गति दे रहा है। इसी क्रम के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के अंदर 7 करोड़ पेड़ लगाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया। जयपुर की तमाम संस्थाएँ जो पर्यावरण के लिए काम कर रही है, विकास समितियाँ, व्यापार मंडल, अलग अलग समाजों के अध्यक्ष, वो सब भी आज इस कार्यक्रम में आए और 11 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लेकर जा रहे हैं। 6 लाख पेड़ नगर निगम स्वयं खर्चे पर लगाए जाएंगे। इसके साथ में 5 लाख की राशि जो है, 5 लाख पेड़ लगाने का जिम्मा जयपुर की तमाम संस्थाओं ने यहाँ एक संकल्प के रूप में लिया है और मुझे लगता है कि हमारा शहर और स्वच्छ और सुंदर और हरा भरा बना रहेगा। और एक पेड़ माँ के नाम, ये सही समय है अपने माँ का, धरती माँ का कर्ज चुकाने के लिए। और कहीं ना कहीं माँ की बात आती है तो एक माँ का भाव है वो मन में होता है, एक अटैचमेंट, माँ का स्नेह है अंदर होता है। तो हम पेड़ को भी मातृवत, पुत्रवत उसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शहर और सुंदर होगा, हरा भरा होगा और सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी खुश।